मैं गणेश आचार्य, आप तो जानते होंगे मुझे, फेमस हूँ मैं थोड़ा सा। इफ्तिका हमारी जो इंडियन फिल्म टेलीविजन कोरियोग्राफर एसोसिएशन है, उसमें हमारे प्रेसिडेंट हैं राजू जी, हमारे अरुण, संतोष, विष्णु, शबीनाथ, छाया, संगीता जी, और ये मेरे लॉयर है पद्मा जी, प्लीज बैठ जाइए आप लोग। आज का मुद्दा ये है कि कुछ न्यूज आई है, न्यूज मतलब छापा गया है कि गणेश आचार्य जो है वो डांसर्स को पैसे देना नहीं चाहता या डांसर्स के पैसे खाता है। ये न्यूज आई थी फेडरेशन के प्रेसिडेंट बीएम तिवारी, इन्होंने दी थी। और मैं इसके पिया ने बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे डांसर्स आए हैं, डांसर्स के यूनिट के नई कमिटी वाले आए हैं, कुछ कोऑर्डिनेटर आए, बहुत से जन आए, ये सामने आप इनको सवाल पूछ सकते हैं कि मैं क्या पैसे खाता हूँ क्या पैसे नहीं खाता हूँ। दूसरी बात ये है कि मुझे इफ्तिका में अभी तक किसी प्रोड्यूसर एसोसिएशन का लेटर नहीं आया है कि आपका पेमेंट 5,000 या 10,000 या 6,000 हुआ है, ना ही मुझे किसी यूनियन ने भेजा है, ना सीडीए के कमिटी वालों ने भेजा, क्योंकि सीडीए का तो पहले डिस्प्यूट चल रहा है जिसमें बेसिकली दो यूनियन चल रही है, एक पुराने को है मिस्टर जाहिद शेख और उनके साथ मिले हुए मिस्टर राज और वो सब है, और एक नई कमिटी है, तो मुझे ये पता ही नहीं चल रहा है। और इनके झगड़े में ये गरीब लोग का ऑफिस बंद है, जहां से इनको रोजी रोटी मिलती डांसर्स की, ये इनके झगड़े में ऑफिस बंद है। तो मुझे पता चले कि भैया ये पेमेंट प्रोड्यूसर इवेंट से आया है कि पेमेंट डांसर्स का बढ़ चुका है, तो उन्होंने भेजा होगा 5, 4.5, 6, 10 जो भी, तो मैं मेरे इफ्तिका का मैं राजू का आपको कोई ऐसा लेटर आया किसी की तरफ से? अभी तक तो कोई लेटर आया नहीं है, मैं सागर दिन से ऑफिस गया नहीं तो शायद इन लोगों को मालूम होगा लेटर आया कुछ। तो हमको इफ्तिका में कोई भी लेटर नहीं आया है, हम कानूनी थ्रू पे, मैं ये बोलता हूँ कि मैं जितना पेमेंट प्रोड्यूसर बोलेगा उतना देने तैयार हूँ यहाँ पे, लेकिन मुझे लेटर आना चाहिए, ना फेडरेशन की तरफ से हमको लेटर आया है ना किसे, ऊपर से हमारे पे थोपा जा रहा है बहुत सारी चीजें। हम इफ्तिका में जैसे कि मेरे कहीं कोरियोग्राफर्स है, उनको ये बोला जाता है उनके सेट पे जाके कि भैया हमने ये 5 कोऑर्डिनेटर फिक्स किए हुए हैं, ये 5 कोऑर्डिनेटर हमारे फिक्स है, आपको इनके साथ काम ही करना चाहिए। जैसे शबीना की एक शूटिंग चल रही थी, शबीना के शूटिंग में आए, कहाँ शबीना तेरे शूटिंग में आए थे, फेडरेशन के आदमी लोग आए थे, हमने हमको ये पता ही नहीं है कि 5 कोऑर्डिनेटर कौन है। हम इसके बिहाफ में जब मैं इलेक्शन में जनरल सेक्रेटरी चुन के आया, तो उसी वक्त सबसे पहले मैंने 250 मेरे कोरियोग्राफर्स मेंबर्स और असिस्टेंट कोरियोग्राफर मेंबर्स के साइन किए, वो लेटर पूरा है जिसमें बड़े बड़े कोरियोग्राफर्स है, रेमो है, सीजर बॉस्को है, वैभवी है, फरा है, गीता है, सब है, इन्होंने उस साइन किया हुआ है कि हम इस 5 कोऑर्डिनेटर को मानते नहीं है, हमको नहीं चाहिए, हमारी मर्जी हम जिसके साथ भी काम करें, हमारा कॉल है। फिर ये फेडरेशन 5 कोऑर्डिनेटर क्यों हमारे पे डाल रही है ये हमको नहीं पता, बार बार हमारे कोरियोग्राफर्स का कंप्लीट हमारे पास आ रहा है, ये किया जा रहा है, वो आके रोक रहा है उसका, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपसे एक ही चीज पूछना चाहता हूं, आप क्यों बिना पूछे ब्लेम किसी पे डाल रहे हो, किस बात का ब्लेम डाल रहे हो आप, हमको लीगली बोलो ना करना, हम यहाँ पे खड़े हैं, मैं डिस्कस करूंगा, मैं इफ्तिका में कॉल लूंगा, मेरा कॉल नहीं है, कुछ न्यूज वाले मुझे कॉल कंटिन्यू कर रहे थे, मैं क्या जवाब दूं उनको, मैं जवाब दे ही नहीं सकता, जब तक मेरी मीटिंग नहीं होती इफ्तिका में, कॉल नहीं आता, कोई प्रोड्यूसर का लेटर नहीं है, किसी चीज का कोई सामने जवाब नहीं है, तो कोई भी उठ के कितना भी पेमेंट बोला तो कैसे देंगे, प्रोड्यूसर का कॉल है ना। मैं ये मुद्दा यहाँ क्लियर करने आया हूँ, बहुत सारी चीजें हमारे में इश्यू चल रही है, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम है। इसके पहले एक यूनियन सीडी की खड़ी हो गई थी, जहां पे अलग यूनियन खो गई थी, ये आज जाहिद, रवि, डेरी और राज, ये कोऑर्डिनेटर इन लोग बोलते हैं कि डांसर्स का पैसा, ये इन लोगों ने एक दूसरी यूनियन खोली थी जहां पे 2,500 में डांसर डांस कर रहे थे, नॉन मेंबर्स नचा रहे थे, कितने पुलिस स्टेशन में चक्कर मारे, कितनी बात हुई, उसके बाद मैंने डांसर्स को सपोर्ट देके वो ऑफिस उनका खुलवाया, फिर उनका इलेक्शन करवाया,
450 जन ने ये 12-18 जन को चुन के नया, उसके बाद ऑफिस का फिर नॉन मेंबर बंद हो गए, पैसे भी उनको बरोबर मिल रहे जो कमिट किया जा रहा है। आज कोई भी एक डांसर आके ये बोल दे कि हमको डांस मास्टर ने ये बोला है कि हमारा पेमेंट 5,000 है, हमको इतना दिया जाता है, आपको जो डांस मास्टर का आपको बोलता है कि इतना उतना ही पेमेंट मिलता है, उसके नीचे कोई नहीं देता तो आपकी कंप्लेंट हमारे पास आए, मेरे पास है, या मुझे कोई बोले कि हम नहीं दिया तो बात सुनी जा सकती है। लेकिन ये अब उठ के ये वापस जो एक्स प्रेसिडेंट मिस्टर जाहिद रवि डेरिक और राज उनके साथ मिलके हर जगह शूटिंग में जाके बोल रहा है कि पेमेंट ये करना चाहिए, उनका लीगली हक ही नहीं है, वो कुछ इधर होते ही नहीं है बोलने वाले। और सबसे पहली बात तो कोऑर्डिनेटर्स किसके पद पर चलते, डांसर्स के पद पर चलते। आज वो एक कोऑर्डिनेटर डांसर्स को गाली देता है, चिल्लाता है, पैकअप कर देता है डांस मास्टर के होते हुए, और बेचारे इनके पेट के सवाल, इन लोग चले जाते कुछ बोलते नहीं है, वो राज करता है, राज आज राज ही है इन लोग को लेके आया है, राज कोऑर्डिनेटर यही सब कुछ कर रहा है, यही ये पूरा। अब मैं इस चीज के एकदम खिलाफ हूं। देखिए आपको जो भी करना है, आप डांसर्स या कोई भी हो, वो आप अपना कॉल लो, आपको क्या करना है, आप लोग डिसीजन लो कि आपका प्रेसिडेंट कौन है, जनरल सेक्रेटरी कौन। हमारे पास इफ्टिका में अभी ये न्यूज है कि आपका ऑफिस बंद है, फिर भी हम जितने मेंबर्स है यहाँ पे मेंबर ही ना चाह रहे, वही यूनियनों के साथ काम कर रहे हैं जो 60-70 से यूनियन चल रही थी, जहां मैं भी मेंबर हूं, मेंबर था, उसी के साथ काम कर, इसका फायदा उठा रहे लोग। अगर मुझसे बात कर ली है फेडरेशन को, अगर फेडरेशन को कई डांसर ने कंप्लेंट दिया है तो मुझे कॉल करें, मुझे बुलाएं, हमारे इफ्टिका को बुलाएं, बात करें। बात यह है कि फेडरेशन में हम डिसेबल्ड है, हम लोग है ही नहीं, हम डांस राइटर यूनियन फेडरेशन में एफिलिएट है ही नहीं, इवन सीडीए डांसर्स भी नहीं है, उनको भी निकाला गया है। जब ये दोनों नहीं है तो डांसर्स से जो कमाई वाले कोऑर्डिनेटर को उन लोग कैसे 5 जन को लीगल कर सकते हैं, जब हम नहीं है तो आप अगर नहीं है चलो आपको फिर भी प्रॉब्लम है, आप मदर बॉडी ऑफ फेडरेशन आप सब संभाल सकते हो, तो एक बार कॉल करो, पूछो हमको, मुझे पूछो, आप डायरेक्ट न्यूज में बोल रहे कि नहीं दिया है, बात तो करो। यहाँ कहीं डांसर्स है, कहीं लोग ऐसे कि डांस मास्टर पैसा देता, हो ही नहीं सकता, आप पहले उनसे पूछो उसके बाद हमको पूछो। थैंक यू। बोलना चाहता हूँ कि मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन कोरियोग्राफर्स एसोसिएशन का। अब जब हम एज कोरियोग्राफर्स यूनियन हम डिसएफिलिएट हो गए, सीडीए डिसएफिलिएटेड है, हम रिस्पेक्ट करते हैं फेडरेशन की और फेडरेशन मदर बॉडी, और फेडरेशन का यूजुअली हमेशा ये काम रहा है, और जो ये लोग फेडरेशन रन भी कर रहे हैं फिलहाल, बी एन तिवारी जी और अशोक दुबे जी, ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनका हमेशा से अच्छा ही रहा है, क्योंकि मैं खुद फेडरेशन में कमिटी मेंबर रह चुका हूं जब हम फेडरेशन में एफिलिएटेड थे। अभी ये डिसएफिलिएट हो गए सीडीए और हम डिसएफिलिएटेड हैं, जो भी सीडीए के 2 डिपार्टमेंट में से एक ने बी एन तिवारी जी को कंप्लेंट दिया कि मास्टर जी ने ऐसा ऐसा किया है, और उसके खिलाफ बी एन तिवारी जी ने ये स्टेटमेंट दे दिया। हमने 4 महीने पहले हमने बोला कि 250 कोरियोग्राफर्स ने, मतलब लिटरली 217 कोरियोग्राफर्स जो इंक्लूड करता है फारा खान, रेमो डिसूजा, गणेश आचार्य जी, सरोज खान, बॉस्को सीजर, एवरीबडी साइंड अ पेटिशन, और इन्होंने दिया कि हमको ये 5 कोऑर्डिनेटर्स आप हम पे मत लागू कीजिए। हम इफ्टिका वाले अभी भी बोलते हैं कि आप 5 या 10, आपने यूनियन खोला है, वेरी गुड, 10 कोऑर्डिनेटर्स सबको काम करने का मौका दो। हमारी 4 महीने पहले की अर्जी अभी तक रिस्पॉन्डेड नहीं है, ये कंप्लेन अभी मीडिया में रिस्पॉन्ड हो गई, तो हमारा भी वो सुने, हम दोनों ही फेडरेशन के वो बच्चे हैं जो अलग हैं, आप उनकी तरफ अगर बोल रहे हैं तो हमारा भी सुने, हमारी तरफ से भी एक बार सुने और हमारी तरफ भी रिस्पॉन्ड करें। आप उनका सुन के यहाँ बोल रहे हैं, हमारा एक बार सुन तो लीजिए कि हम क्या बोलना चाहते हैं, मासी ने क्या किया है, या ये 250 कोरियोग्राफर्स आखिर में चाहते क्या है। थैंक यू। तो मैं बहुत बड़ा शो कर रहा हूँ इफ्टी का, बेसिकली वो शो में करने वाला था डांसर्स के लिए, डांसर्स लोग के बीच में, लेकिन डांसर्स लोग के बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रहे थे। मैं इफ्टिका में उसके बाद ज्वाइंट हुआ, उसके बाद मैंने इफ्टिका में पहली बात किया था कि मैं एक शो करूंगा बहुत बड़ा, जिसमें सब आर्टिस्ट आएंगे, उसका जो फंड आएगा उसमें हमारे इफ्टिका के मेंबर्स, असिस्टेंट कोरियोग्राफर, डांसर, सबको एक बेनिफिट होगा, जिसके मेरे पास 25 लेटर साइनिंग कन्फर्म है, जिसमें बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग परफॉर्म कर रहे हैं 5-5 मिनट का। वो शो नहीं होने के लिए ये राज या ये जाहिद या रवि डेरिक इन लोग प्लान कर रहे हैं कि ये शो नहीं हो, कई डांसर्स के हाथ में मैसेज छोड़ रहे कि देखते कैसा शो होता है, ये एकदम गलत बात है। मैं जो भी कर रहा हूँ यहाँ पे, मतलब
इनकी भलाई के लिए खड़ा हूं, ये डांसर्स हो या अपने कोरियोग्राफर या असिस्टेंट के लिए, तो ये जो कॉल लिया जा रहा है गलत है, इसको मत करो कि इसमें सबकी भलाई है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। नाम जीत सिंह है। सीडीएल में दो डिस्प्यूट चल रहे हैं, उसमें से एक डिस्प्यूट है जो बोलता है जबरदस्ती हमको बोलता है कि ये नहीं ये करो, पांच कोऑर्डिनेटर के साथ में हमको काम करना है। आई डोंट नो, जब आप डिस्प्यूटेड हो, कोर्ट में केस चल रहा है, तो आप ऐसे कैसे हम लोगों के ऊपर फोर्स कर सकते हो? हमारे पास में लेटर हेड से लेटर्स आ रहे हैं, कैसे कर सकते हैं आप लोग? तो वो हमारा क्वेश्चन रहेगा सीडीए के जो डिस्प्यूट, पांच जन जो है वो जी हाँ वो लोग बोल रहे ये कमेटी नई वाली क्या बोल सर? नई वाली तो विजय सिंह आप ही खुद बोल सकते हो, इज द प्रेसिडेंट। नमस्कार, मैं विजय सिंह सीनियर डांसर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। ये जो क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है ये मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ। ये एसोसिएशन 1961 से बनी हुई है, 61 से जो एसोसिएशन अभी तक चलती आ रही है, जितने भी आपने बॉलीवुड के गाने देखे होंगे इसमें हमारे ही डांसर्स हैं, स्टार्ट से लेके अभी तक हम ही लोग परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये जो हो रहा है ना मास्टर जी के साथ, ये क्यों हो रहा है? मास्टर जी आज से 1.5 साल पहले हमारी एसोसिएशन बंद हो गई थी, कुछ कोऑर्डिनेटर जाहिद रवि डेरिक इन लोगों ने मिलकर हमारी एसोसिएशन बंद कर दी थी और फेडरेशन के साथ मिलकर एक नई एसोसिएशन चालू की थी। उस वक्त हम सब हमारे डांसर्स और हम लोग सब रास्ते पे आ चुके थे, तब यही एक इंसान था जो हमारे साथ खड़ा होके हमें सपोर्ट किया और वो एसोसिएशन बंद की हमने, हमारा ऑफिस ओपन किया और 1.5 साल से हम लोग हमारा ऑफिस अच्छे तरीके से रन कर रहे थे। लेकिन उनसे वो रहा नहीं गया, उन लोगों ने कोऑर्डिनेटरों ने 5 लीगल करने का एक फेडरेशन में प्रस्ताव रखा, जिसकी वजह से फेडरेशन रेडी भी हो गई। फिर हम लोग ने वो लड़ाई शुरू की, मास्टर जी हमारे साथ सपोर्ट नहीं किए, वो हमने फिर बंद कराई। तो ये जो खेल है ना सब पैसे का खेल है, जो कोऑर्डिनेटर है ना वो प्रोड्यूसर से कुछ ज्यादा पैसा उठा के बीच का पैसा खा के हम लोगों को कम पैसा देते हैं, तो पूरा के पूरा सर्कल पैसे पे डिपेंड है। और हमारे पास जो कंप्लेंट्स है ना, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, आप मेरे पास आके बाद में देख लेना। हमारे लड़कियों को गाली दी जाती है, हमारे लड़कों को काम पे नहीं बुलाया जाता है, तो ये बहुत सारी कंप्लेंट्स हमारे पास है। तो इसके लिए ना हमें कोई सही चैनल नहीं मिल रहा है। हम लोगों ने इफ्टर का जो हमारी एसोसिएशन है कोरियोग्राफर एसोसिएशन, इनसे बहुत बार सपोर्ट मांगा हमने, इन्होंने बहुत बार सपोर्ट किया, तो वो जो कोऑर्डिनेटर है ना उनको तकलीफ हो रही है उस चीज से, इसलिए वो आज मास्टर जी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि मास्टर जी को कहीं किसी तरीके से बदनाम करें और मास्टर जी हमसे सपोर्ट हटा दे। और जैसे ही मास्टर जी का सपोर्ट हटेगा वो लोग अटैक करेंगे, हम लोग पे अटैक करके हमारी एसोसिएशन तो बंद कर ही दी वो लोगों ने और हमको काम पे बुलाना बंद कर देंगे और फिर से वापस एक नई एसोसिएशन चालू कर देंगे। फेडरेशन अगर हमारी माई बाप है, मदर बॉडी है, जिस जो कहती है कि हम यहाँ पे है सिर्फ मेंबर्स के लिए, वर्कर्स के लिए, तो हमने उनको कई बार हमने उनको कंप्लेंट किया हुआ है कि हमारा ये प्रॉब्लम्स है, हमारा वो प्रॉब्लम्स है। हमारा मेजर प्रॉब्लम जो है वो है कोऑर्डिनेटर, जो दलाल है, जो बीच का पैसा हमारा खा जाते हैं, हमारे वर्कर्स को गाली देते हैं। वो प्रॉब्लम्स हम कितनी बार लेके गए वहां पे, लेकिन वहां पे से कोई सपोर्ट नहीं मिला हमको। और आज वो हम पे थोप रहे हैं कि 5 कोऑर्डिनेटर ही रहेंगे, इनके साथ ही आपको काम करना पड़ेगा। अभी मेरे को बताओ, अगर फिल्म इंडस्ट्री में ये 5 कोऑर्डिनेटर ही काम करेंगे तो इनका आपस में मोनोपोली हो जाएगा। कल जब मैं सेट पे जाता हूँ और मेरे साथ कुछ भी होता है और मैं फिर कंप्लेंट कहाँ करूंगा? अगर मैं कहीं कंप्लेंट करूंगा तो वो 4 लोगों को 5वां कोऑर्डिनेटर बोल देगा कि भाई ये विजय सिंह को कहीं मत बुलाना। वैसे ही हर डांसर के साथ ये होगा, तो ना डांसर कुछ कर पाएंगे ना बोल पाएंगे। तो ये लोग का बहुत बड़ा प्लान चल रहा है पैसा खाने का, जिसमें बहुत लोग इन्वॉल्व है और जिसमें हमारे एक्स जाहिद शेख, रवि कन्वर और डेरिक विश्वास और राज, ये जो मेन खेल खेल रहा है ये राज है, उसको बिग बॉस बनना है। जिसमें मैं नहीं समझ रहा हूँ कि फेडरेशन का इसमें क्या किरदार है, फेडरेशन क्यों सपोर्ट कर रही है, उनको कहाँ से मिसगाइड किया जा रहा है, मुझे एक बार बात करना पड़ेगा। अगर उनको कहीं से कुछ कंप्लेंट आ रहा है तो हमको बताएं। अभी मेरे को एक बात बताइए कि जो इल्जाम लगे हुए हैं मास्टर जी के ऊपर वो किसने लगाए? किसने लगाए वो? जाहिद ने, एक्स पार्टी ने। जाहिद शेख आज से 15 साल से काम नहीं कर रहा है। कोई भी डांसर्स
जितने भी डांसर यहाँ बैठे हैं, मैं प्रेसिडेंट हूँ, मुझे किसी ने कंप्लेंट नहीं दिया मास्टर जी के अगेंस्ट। मेरे पास कोई भी राइटिंग में कंप्लेंट्स नहीं है। मेरे पास राइटिंग में कंप्लेंट्स है कोऑर्डिनेटर के, राज अल फहीम सुरानी के, आप लोग आके देख सकते हो, उसके कंप्लेंट्स है। ये कंप्लेंट्स देखे मैं फेडरेशन में गया, बट वहां से मुझे कोई सपोर्ट नहीं दिया। तो आप लोग के माध्यम से जो हो सकता है प्लीज आप ये सारे लोगों को बताइए, जो भी लोग हमको सपोर्ट करना चाहे प्लीज आके सपोर्ट करिए। मेरी सारे लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि हम लोग बहुत मुश्किल में हैं और सिर्फ मास्टर जी का सपोर्ट मिल रहा है हमको, तो मैं चाहता हूँ कि बाकी लोग भी हमको सपोर्ट करें आपके माध्यम से। थैंक यू। काफी रोक रहे थे ये बोलने से, बट मैं बोला चाहता हूँ कि ये साल के बिगनिंग में मास्टर जी को एक प्रोड्यूसर ने अप्रोच किया था, क्योंकि डांसर्स की कंप्लेन है, तो मैं बोला था कि ये साल के बिगनिंग में मास्टर जी को एक प्रोड्यूसर ने अप्रोच किया था जो मास्टर जी को अफोर्ड नहीं कर सकते थे गाना करने के लिए। उन्होंने बोला कि मेरे पास इतना ही पैसा है, बट मास्टर जी प्लीज आप हमारा गाना कर दीजिए। मास्टर जी ने बोला मुझे पैसे नहीं चाहिए, बट आप 200 डांसर्स को काम दीजिएगा गाने में। तो जो आदमी ये काम कर रहे हैं उससे भी आपको अगर पूछना चाहे तो प्लीज पूछिए। देखिए ये शो जो है, ये मैं बेसिकली मैं खुद एक डांसर रहा हूँ, असिस्टेंट कोरियोग्राफर रहा हूँ, जब मैं इनके बीच में काम करता हूँ, मेरे पास कम से कम ऐसे 300-400 डांसर, जिसमें से 100-200 ऐसे डांसर्स है जो कहीं पे मतलब चल नहीं सकते, उन्होंने कितनी साल अपने दिया। जैसे एक वहाँ पे गुड्डू जिसको पैरालिस है बेचारे को, जैसे शिला जी 80 साल से है, जिन्होंने इतने साल 60 साल काम, बहुत से डांसर्स ऐसे। फिर मैंने जब इफ्टिका में जनरल सेक्रेटरी हुआ, फिर मैंने देखा कि इफ्टिका में भी बहुत सारे ऐसे डांसर्स जैसे राजीव नाइट हुए या बहुत सारे हैं जिनको कई प्रॉब्लम्स है। तब मैंने ये कॉल लिया कि मैं ये शो करूंगा। मैंने अक्षय कुमार से बात की, चैरिटी शो करूंगा फाउंडेशन इनके लिए, और उसके अक्षय से बात की, मैंने बोला इसका एक फंड जमा होगा जिसमें इनका मेडिक्लेम, इनका इंश्योरेंस और इनके लिए कुछ होगा बहुत अच्छा। तो अक्षय कुमार ने सबसे पहले मुझे लेटर दिया, फिर वरुण ने दिया, फिर कैथरिया ने दिया, सोनाक्षी ने दिया, रणबीर ने दिया, आलिया ने दिया, संजय दत्त ने दिया, अनिल कपूर ने दिया, कई लोगों ने दिया, सुनील ग्रोवर, भारती, मिक्का, सुखविंदर, सुनिया, ऐसे 25 लोगों ने दिया जो मैं 11 से 15 दिसंबर शो कर रहा हूँ। ये शो मेरे लिए बहुत मायने देता है, ये मेरे उन वर्कर्स के लिए मायने देता है, मेरे लिए मायने देता है। मुझे इसके लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने एक अपने लिए नहीं, मेरे वो भाई बहनों के लिए किया जो कहीं तकलीफ में है। तो ये इसमें कई साल तक राजू जी प्रेसिडेंट हमारे, इन्होंने कई साल तक इस चीज को अप्रोच किया। लेकिन राजू जी आप बताएंगे इसमें कुछ बोलेंगे एसोसिएशन जो है हमारी, ये तो काफी 42 इयर्स पुरानी एसोसिएशन है, और ये मेरे पिताजी सत्यनारायण मास्टर जी ने शुरू की थी और उसके बाद में चलते रही, और हमारे सत्यम हॉल में ये एसोसिएशन चलती थी। 2009 में यहाँ शिफ्ट हुई थी एक्चुअली में वीरा देसाई रोड पे, और उसके बाद में कहीं सेक्रेटरी रहे, निमेश जी सेक्रेटरी रहे, भूपी जी रहे, जय बुराडी रहे, और ऐसे काफ़ी, और अभी मासी जी ने जब ज्वाइन किया है तो ये काफ़ी अच्छा काम होने लग शुरू हो गया है। मतलब ये 5 महीने में जो काम हुआ है मुझे लगता है 10 साल में नहीं हुआ होगा, तो इतना अच्छा काम मासी जी ने जो बिड़ा उठाया है। क्या क्या काम हुआ है पिछले 5 महीने में? 5 महीने में ये जो शो का जो बता रहे हैं वो मेन काम हुआ है, और बाकी मेंबरों के बारे में हेल्प करने का, उनको मेडिकल एड देने का, वो भी काफी मास्टर जी ने उससे। एक्चुअली मास्टर राजू सर का भी थोड़ी तबीयत खराब है, तो मैं ये उनका हेल्थ इश्यू चल रहा है, इसके लिए वो काफी 1 महीने से भी ऑफिस नहीं आए, बट हमारा डिजिटाइजेशन हो गया है 5 महीने में। हम अपने मेंबर्स को रीच कर रहे हैं, और हमने अराउंड 25-30 मेंबर्स मास्टरी के बनने के जीएस बनने के बाद बना लिए, और काफी जो कोरियोग्राफर्स जो नॉन मेंबर्स थे, असिस्टेंट जो नॉन मेंबर्स थे, वो आगे आ रहे हैं, उनको अभी एसोसिएशन पे और ज्यादा विश्वास हो रहा है, वो अपना मेंबरशिप ले रहे हैं, और ये शो के बाद में और हम आगे स्टेप लेके और भी अब यूनियन के लोगों को हेल्प करने के लिए और कुछ करेंगे। फिलहाल हमारी मेंबरशिप बढ़ती जा रही है, हमारा स्ट्रेंथ बढ़ते जा रहा है, और हम डिजिटाइज हो रहे हैं, हम लोगों तक पहुंच रहे हैं। मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जो अब नहीं जानते आ रहे ये कैसे रन होता है, कुछ भी इशू है तो हम एक तो गुजर गया,
तो उनको हम लोगों ने एड दिया है, फिर बाकी दो और कोरियोग्राफर्स हैं उनको एड दिया है जो कि बहुत ज़रूरत में थे। ये मास्टर जी ने आने के बाद मास्टर जी ने किया ये सब कुछ। और जो आर्टिस्टों के जो लेटर हैं इन्होंने इतने जल्दी लाए हैं, 25 मेरे ख्याल से आर्टिस्टों के लेटर लाए हैं, ये बहुत ज़बरदस्त स्पीड है और दिसंबर में ये शो होना ही है। जो हैं वो लोग लगातार फेडरेशन से संपर्क साधे हुए हैं और उनको जो है वो गलत तरीके से बरगला रहे हैं, क्या ये है रिप्रेजेंटेटिव की चूक है या क्या चूक लगती है आपको आपकी तरफ से? नहीं देखिए, पहली बार तो हम लोग फेडरेशन से एफिलेटेड है ही नहीं। सबसे पहली बात हमारा मुद्दा हम आपस में सुलवा के, आज जब से मैं आया हूँ कहीं पे भी नॉन मेंबर असिस्टेंट कोरियोग्राफर या डायरेक्ट डांस डायरेक्टर काम नहीं कर सकता, या मेरे किसी भी मेंबर को, किसी भी मेंबर को कोऑर्डिनेटर या कोई भी धमकाता है तो हम वहाँ खड़े रहते हैं, मैं खुद खड़ा रहता हूँ, हम लोग सब खड़े रहते हैं। तो ये हमारी पावर है, हम लोग की पावर हम लोग खुद है। इतने सालों से सत्यनारायण मास्टर जी, राजू जी, पप्पू जी, इन लोगों ने पूरी यूनियन संभाली, तो एक कोई सॉलिड पावर चाहिए जो आके जवाब दे। पहले जवाब नहीं देता था। देखिए सबसे पहले तो जब मेरे कोरियोग्राफर से जैसे शबीना खान को तकलीफ हुई थी या और किसी को तकलीफ हुई थी, लॉलीपॉप को हुई थी, तब मैंने तभी डिसीजन लिया कि मैं 250 मेंबर लोग की साइन लूंगा, जिसमें सब बड़े बड़े कोरियोग्राफर्स मैं आपको लेटर दूंगा साइन है कि हमको ये 5 कोऑर्डिनेटर नहीं चाहिए, हमारी मर्जी हमको किसके साथ काम करना है। पहली बात तो मैं हम कोऑर्डिनेटर से काम ही नहीं करते, हमारे असिस्टेंट बोर्ड बोरा करते हैं, असिस्टेंट लोग कोरियोग्राफर जाके बोरा बोलते वो हमको पता है, फिर भी कुछ कोरियोग्राफर करते हैं हमको प्रॉब्लम नहीं है, जिसको भी करना। आज ये राज सुरानी है या विकी है या जो भी है, ये डांसर थे, मेरे पास डांस किया, आज वो कोऑर्डिनेटर बन के बहुत सारा पैसा कमा, वैसा और किसी डांसर को भी कमा रहा हो भी कोऑर्डिनेट कर सकता है, और किसी को भी करना होगा, हमको रोक नहीं है किसी चीज की, हम नहीं रोक रहे। लेकिन अगर ये जबरदस्ती फेडरेशन के आदमी जाके शूटिंग पे अगर बोलेंगे इसमें से करना है तो ये गलत है, फिर हम खड़े होकर हम बात करेंगे विदाउट परमिशन। मैं इसमें एक बहुत प्यारी सी चीज बोलना चाहता हूँ, अगर फेडरेशन मदर बॉडी है तो सबसे पहले प्लीज हाथ जोड़ता हूँ पीएन तिवारी जी या जितने लोग हैं, ये जो दो यूनियन है वो सीडीए को एक करो, उनका एक नेता बोलो, सबसे पहले उनका जो ऑफिस बंद है वो खुला हो। मेरी रिक्वेस्ट है, आज मेरा असिस्टेंट संजीव जो मेरा शूटिंग है 150 डांसर्स का कुली का या रोहित शेट का, वो बोलता है मास्टर जी मैं ये बोर्ड कहाँ लेके जाऊं, रस्ते पे लगाओ, इनका ऑफिस ही बंद है, मैं क्या करूं मुझे बताइए, आपको अगर पेमेंट का इश्यू है तो मेरे पास आओ, इफ्टी का में आओ, अगर आप लोग सीडीए वाले एफिलेटेड नहीं है फेडरेशन में तो हमारे पास आओ, हमको बोलो, आप लोग बोलो 5 कोऑर्डिनेटर का काम नहीं करना है तो कौन करता है, हमें देखता, हमारे में से कोई भी कोरियोग्राफर नहीं करेगा। लेकिन आप अपना सोल्यूशन निकालो, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ फेडरेशन को हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज ये दो कमेटी है उनको बुलाओ, इनको बिठाओ, इनके प्रॉब्लम सॉल्व करो, इनको प्रॉब्लम सॉल्व करके फिर बात करो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है 4,500 देने में या 6,000 या 10,000, मैं इसको मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास अगर कोई प्रोड्यूसर का लेटर आता है या कुछ बात होती है तो मैं पहले सबसे पहले इफ्टिका में, हम लोग वैसे भी 20 तारीख को हमारा मीटिंग है, चैनल वाली मीटिंग। मैंने बॉस को यूजर से बात किया तो उन्होंने कहा कि मैंने सुना है मुझे प्रोड्यूसर्स का लेटर चाहिए, प्रोड्यूसर यूनियन का जो पेमेंट देती है वो चाहिए मुझे, मुझे प्रोड्यूसर यूनियन से आप, मैं चाहता हूँ कि प्रोड्यूसर यूनियन डांसर्स का, मैं क्यों नहीं चाहता डांसर्स का पेमेंट बढ़ाना, सबसे ज्यादा डांसर्स मैं चलाता हूँ, मैं यहाँ पे हूँ। अब मेरे पास अगर एक प्रोड्यूसर आता है और मुझे बोलता है कि गणेश मास्टर जी मुझे 50 डांसर चाहिए, मेरा पेमेंट 5,000 है, मैं बोलता आप एक काम कीजिए, आप है ना मुझे 100 डांसर दीजिए 5,000 में, वो मेरा काम है, मैं कैसे डिवाइड करके बांटता हूँ, कभी मैंने, लेकिन मेरे असिस्टेंट ने किसी ने डांसर्स को बोला है कि तुझे भैया 5,000 देगा तो उसने 4,000 बांटा है, नहीं, लोग को जितना बोला उतना ही बांटा, तो मैं अपने तरीके से काम कर रहा हूं जो मुझे करना है, मुझे लगता है मैं इन लोगों के लिए काम कर रहा हूं। दूसरी बात यह है कि जब तक प्रोड्यूसर यूनियन फेडरेशन के पास या किसी के पास डांस यूनियन के पास लीगली लेटर नहीं आएगा, कोई कॉल नहीं करेगा, कोई कैसा कॉल करेगा। आज एक अगर छोटा डांस मास्टर है जो भी है, जैसे संतोष है, इसको एक शूटिंग मिलती है, करेक्ट है, उस शूटिंग मिलती है, उसको प्रोड्यूसर बोलता है मैं तुझे 3,000 ही दूंगा, वो डांस यूनियन में जाके बोलता है कि मुझे 3,000 मिल रहा है,
तो बोला नहीं तुम्हारी यूनियन में तो 4:30 है तो ये गाना छोड़ देगा। अगर वही प्रोड्यूसर का लेटर होगा मेरे पास तो ये वो प्रोड्यूसर को बोल सकता है कि मैं 3 नहीं दे सकता हूँ, 4:30 का लेटर है। आप मेरी बात को थोड़ा समझिए, गलत पिक्चर पोर्ट्रे मत कीजिए। मैं फेडरेशन को भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बीएन तिवारी जी को जो भी है, आप प्लीज ये पार्ट वाला काम मत करो। दूसरी बात मुझे ये है कि ये 5 कोऑर्डिनेटर का किस्सा क्या है? 5 कोऑर्डिनेटर जो भी चला है ना, वो कोरियोग्राफर चलाएगा, डांसर चलाएगा, इसमें फेडरेशन का हाथ क्या है? मुझे समझ में नहीं आता। कौन पूछेगा जवाब? उनकी शूट पे जितने भी डांसर गर्ल्स थे उन्होंने ऑलरेडी एक वीडियो दिया था कि हम लोग को 4,000 में बोला गया है, उनको फिक्स किया था, उन्होंने बोला हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जबरदस्ती उनकी शूट पे जाके जो ये जायद शेख है, रवि कन्वर, डेरिक, उन लोग ने जाके और राज भी, वो लोग ने जाके वहाँ पे 4.5 बटवाया है, जबकि दिव्या ने बोला कि मेरा 4,000 का ही मैंने कोट किया, मैं उतना ही उनको दूंगी। वो लोग ने जबरदस्ती 500 अपनी जेब से डाल के उनको 4.5 देने लगाया, जबकि ऐसा कुछ भी रूल नहीं था, कुछ नहीं था। नो, शी ओनली पेड 4,000 बट 500 से कमिट था 4,000। ये लोग ने जबरदस्ती 500 अपनी जेब से, कि नहीं 4.5 हुआ है अपनी जेब से, उन्होंने 500 डाल के उनको 4.5 और बोले कि जायद ने बोला है, और जायद ने बोला है, इससे पेमेंट बढ़ा, इनके वजह से पेमेंट बढ़ा। तो सिर्फ अपना नाम करने के लिए वो 4.5 कर रहे हैं, पर कहीं पे रूल नहीं था। तो ये चीज भी वो लोग जबरदस्ती कर रहे हैं 500 रुपया ज्यादा बढ़ाने के लिए। बस ये मुझे आपके जवाब। मास्टर जी, तिवारी तो मदर बॉडी से, देखिए पहली बात तो मैं उनके साथ एफिलिएटेड हूं नहीं, आपको बार बार बोल रहा हूँ, फेडरेशन के साथ हम इफ्टी का एफलेट नहीं, इंडिपेंडेंट बॉडी हम लोग, तो मैं क्यों जवाब दूं उनको, क्यों पूछूं? इन्होंने पर्सनल मेरा नाम लिया है कि गणेश आचार्य दे रहा, उसका जवाब मैंने पुलिस कंप्लेंट वहां दिया हुआ है। न्यूज़पेपर में जो आया है वो बातचीत करके आया है, उन्होंने छापा, उन्होंने जो छापा, हेलो सर, लेकिन कुछ तो सुनना चाहिए, कुछ तो पहली बाजू दूसरी बाजू सुननी चाहिए, दूसरी बाजू आप आ रहे, लेकिन वो होने तक रुक सकते ना, आपने मेरा नाम तो डाल दिया, कर दिया गणेश आचार्य, लोगों के दिमाग में नेगेटिव बैठा तो नेगेटिव। नहीं सुनिए, मैं कुली की रेस, सुनिए मैं अभी भी रेसर छोड़ के आया हूँ, मैं शूटिंग में कॉल लेता नहीं हूँ और मेरी तबीयत 3 दिन जाने से कर, मैंने क्या बोला था कि मैं करूंगा मंडे के बाद कॉल। अच्छा दूसरी बात बताइए, मैं आपका यह जवाब कैसे दूंगा? आप जो मुझे पूछना चाहते हैं, मेरी इफ्टी का साथ मीटिंग ही नहीं हुई, मैं वो तो जनरल सेक्रेटरी हूँ, मैं आपको क्या जवाब देता? मास्टर जी, अगर आप ये बोल देते कि संजय हमारी मतलब हमारी मीटिंग अभी हुई नहीं है और हम बाद में इससे जवाब देंगे, सही, सही बात, आपका कोर्ट किया है कि मेरी आपके असिस्टेंट से बात हुई है और लेकिन उसके आपने अगेंस्ट बीएन तिवारी की बात करके आपने बोल दिया ना, बीएन तिवारी जी ने जो आपको दिया है कि गणेश आचार्य डांसर्स का जो भी है करता नहीं, एक बार मुझसे पूछना चाहिए था। तो मैंने कॉल किया, मैंने वेट किया 6 घंटे, वेट किया आपका 6 घंटे में नहीं होता है, अगर मैं 6 महीना भी नहीं वेट किया, आपने एक दिन और वेट कर लेते बिना छापे, नहीं मैं काम बना कर रहा हूँ, आप कीजिए, लेकिन आपने मेरे मेरे मेरी इमेज पे आपने लिखा ना, मेरी इमेज पे लिखा ना आपने, तो मैं आज देखिए 6 दिन तक मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, आप अपने जगह पे एकदम सही है, मैं अभी आपको दे रहा हूँ ना क्लियरेंस, एक आपको तीनों को क्यों, मैं कितने मीडिया को दे रहा हूँ जवाब, सामने दे रहा हूँ मैं, वेरी गुड, आप बहुत थैंक यू वेरी मच, थैंक यू भारती जी, मैं शुक्रिया आपका। हम लोग जब भी कोई स्टोरी करते हैं, देखिए यहाँ पे कोई वाद विवाद नहीं हो रहा है, हम जब भी कोई स्टोरी करते हैं हम उनको मैसेज कर दें किसी को भी कि ऐसी ऐसी कहानी आई है, क्या इस पे आपको कोर्ट करना है? अच्छा आपके कोर्ट में ये लिखा हुआ है कि हमने गणेश आचार्य से दूसरी बाजी सुनी नहीं है? हाँ मैंने लिखा है कि आपने बात की है और लेकिन बात नहीं हो पाई, और मेरे आपके असिस्टेंट से बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं थोड़ी, आपने ये जो छापा है कि गणेश आचार्य डांसर्स को पैसे नहीं देता है, बीएनटी वाले लिखा है, इन हमारे गणेश आचार्य से कुछ बात नहीं हुई ऐसा लिखा? नहीं लिखा, नहीं ऐसे ऐसे थोड़ी
मास्टर साहब आपकी इज्जत करता हूँ, ऐसा नहीं होता। काम करने का तरीका है कि मैं आपसे बात करूंगा, बीएन तिवारी से बात करूंगा, दोनों का कोर्ट करूंगा, और अगर मान लो किसी एक पक्ष से बात नहीं होती, मैं लिखता हूँ कि गणेश आचार्य से बात करने की कोशिश की लेकिन बात नहीं हो पाई, और आपके असिस्टेंट मुझे साफ साफ कहा कि मैं थोड़ी देर में कॉल बैक करता हूँ। मैंने 6 घंटे वेट किया, थोड़ी देर 6 घंटे होता है क्या? लेकिन आपके स्टेटमेंट के पीछे क्वेश्चन मार्क नहीं है। अच्छा एक मिनट ओके 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 भारती जी, संजय जी ठीक है, आप लोग को अभी जवाब मिल गया, आपको मिल गया जवाब, आपको जवाब मिल गया अभी 6 घंटे के बाद या 6 दिन के बाद अभी जवाब मिल गया मिस्टर संजय, थैंक यू वेरी मच। मैं मान रहा हूँ सर आपकी बात, क्योंकि आपने एक नई शुरुआत करी, आपने एक मैंने जो शुरुआत की है ना, मैं बता रहा हूँ, मैंने इफ्टिका में की है। जी जी जी, जहाँ पे मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, मैं डांसर्स के बीच में नहीं जा रहा हूँ। जी मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, जब आपने इतनी अच्छी शुरुआत करी कि आपको लगता है कि सबको एक साथ लेके आया जाए, अगर किसी पर्टिकुलर लोगों से। नहीं नहीं, मैं ये चाहता हूँ, इसके मैं चाक मिलाना चाहता हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ, फेडरेशन को बिठाओ, पुलिस को बिठाओ, वकील को बिठाओ, कोर्ट को बिठाओ, इन लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करो, लेकिन उसके पहले अगर ऑफिस बंद है तो क्या करेगा लोग, मुझे बताओ कहां जाएगा, इनका ऑफिस क्यों बंद है, इसका जवाब कौन देगा, इसका जवाब तू दे विजय, ऑफिस क्यों बंद है पता चल रहा है केस अभी, लेकिन हम लोग 1.5 साल से ऑफिस चला रहे हैं, मास्टर जी ने 1.5 साल पहले ऑफिस ओपन किया था, तो ऑफिस हम लोग चला रहे थे, वहां पे मेंबर्स भी बने, लोगों को हम लोगों ने रिटायरमेंट भी दिया हुआ है, सब कुछ जितनी जो चीजें ऑफिस में की जाती है वो सारी एक्टिविटीज हमने की है, लेकिन हमारा जो मुद्दा था कि कोऑर्डिनेटर बंद होना चाहिए, उसके लिए हम लोग लड़ाई कर रहे थे, क्योंकि आए दिन जो प्रेसिडेंट के पास कंप्लेंट आती है तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, एक्शन लेगा ही ना, मेरे पास बहुत सारी कंप्लेंट है लिखित में, तो मैं वो एक्शन के लिए मैं कोऑर्डिनेटर बंद करने के लिए आवाज उठाई, तो वो आवाज उठाया तो जितने भी करप्शन वाले थे वो सारे एक हो गए, जिसमें जाहिद रवि डेरिक और राज और जो 2-3 कोऑर्डिनेटर है वो सारे एक होके उन्होंने ऑफिस बंद कर दिया हमारा, ये अभी तक का अपडेट है। हियरिंग 10 तारीख को है और आदमी भेजे थे, जब तक कोर्ट की हियरिंग होगी या कुछ होगा तुम लोग मतलब रास्ते पे खड़े रहेंगे भैया, सब काम से तुम लोग का ऑफिस ही नहीं खुला, ऑफिस का है तुम लोग साहिब और राज ने कुछ गुंडे ऑफिस में लेके आए थे उस दिन, औरतें भी थी, कम से कम 100-150 लोग थे, जहाँ पे नेहल के साथ हमारी मेंबर है कमिटी मेंबर, वो गई थी तो उसको जबरदस्ती खींच के धक्का मार के बाहर निकाला, बाहर की लड़कियां औरतें जो होती ना, हमारी मेंबर नहीं थी, बाहर की थी और लड़के गुंडे भी थे, हमारा गणेश गया हुआ था कमिटी मेंबर वहाँ पे, जयश्री गई थी, आपको जयश्री आप बताएगी, जयश्री प्लीज आपके बताओ, स्टाफ को मारा, जयश्री हमारी ट्रेजरर है सीडीए की। जैसे कि मुझे सुबह न्यूज मिली थी कि कुछ गुंडे आए ऑफिस में और हमारे जो ऑफिस वर्कर थे उनको मार के बाहर निकाल दिया, दोपहर को न्यूज आई कि नेहल को बाहर निकाल दिया, निकाल दिया, उसके बाद मैं शूट कर रही थी वहाँ पे, मैं रात को मुझे न्यूज मिली कि वहाँ पे कोई जाओ मत, गुंडे खड़े लड़कियों को मारा जाएगा, ये मुझे न्यूज मिली थी, लेकिन मेरा ऑफिस था, मेकअप के बाद मैंने किसी से कोई बात नहीं की, मैं खुद अकेले गई थी ऑफिस में रात को 10 बजे उन लोगों के बीच में, और कुछ गुंडे बाहर खड़े थे, कुछ पुरानी कमेटी बाहर खड़ी थी उनके सामने, जो जाहिद रवि लोग खड़े थे वहां पे उनके सामने गुंडे खड़े थे, और राज सुरानी, मैं ऑफिस में जाती हूँ मुझे कुछ लोग बोलते गेट आउट यहाँ से, जहाँ पे मैं 1.5 साल से काम कर रही हूँ, मैंने बोला आज तक आप इतने लोग ऑफिस में आए मैंने कभी आपको गेट आउट नहीं बोला, और मेरे कमेटी वालों ने कभी गेट आउट नहीं बोला किसी को भी, अगर जाहिद भी आता था ना हम लोग ने वेलकम ही किया है, रवि भी आया था उसको वेलकम किया, हर किसी को वेलकम किया, कभी किसी को गेट आउट नहीं बोला, मुझे वहां पे बोला गया गेट आउट, मैंने शूज निकाले बैग रख के मैं अंदर गई, मैंने बोला ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, ये हमारे सारे लोगों की प्रॉपर्टी है, मैं यहाँ पे बैठूंगी, किसमें हिम्मत है मुझे यहाँ से बाहर निकाल के बताए, सब आके बैठे वहां पे, मेरे पीछे से राज सुरानी आता है ऑफिस में और चेयर पे बैठता है, बोलते है आज के बाद मैं ऑफिस चलाऊंगा, किसके सामने, जाहिद रवि डेरिक जो एक्स कमेटी थी, जो राज का कैंसिल कार्ड किया हुआ है, आज के बाद 4:30 दूंगा, आज सारे कोरियोग्राफर के पास जाते हैं, आप 4 दे रहे हो, 500 रुपए ये रखो और बोलो हम लोग ने जाहिद की वजह से 4:30 हुआ, इसको पेमेंट बढ़ाना नहीं बोलते, इसको बोलते हैं लालच, बस 2 महीने 4.5 बटेंगे उसके बाद वापस 3,000,
वापस वही होगा, वही रोड यही चल रहा है, रोड पे आएंगे हम और रोड पे। और कुछ गुंडे मुझे धमकी दी गई थी कि बोला गया था यहाँ पे दिखेगी ना तो अपने पाओ पे नहीं जाएगी। मैंने बोला मेरा घर है, मेरा बच्चा है, मुझे अपना संभालना। मैंने रिजाइन लेटर दिया था डर के मारे, डर के मारे कि कोई तो आवाज उठेगा मेरे पीछे, जैसे ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन कोई नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं। पंचमहला नहीं, मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ूंगी, मैं अकेली जाऊंगी। उस दिन भी पुलिस स्टेशन में कुछ 50 बॉयज आए थे, हम लोग ऑफिस खोलने के लिए जा रहे थे, सब लोग आए और पहले से जाहिद डेरिक वहां पे ऑफिस बंद है, वहां पे सब लोग खड़े और अपने मेंबर्स जा रहे थे, वो पुलिस लोगों को बोल रहे वो देखो नॉन मेंबर्स है उनको भगाओ, जिनका मेंबरशिप इन्होंने बनाया जाहिद इन लोग ने, उनको बोल रहे नॉन मेंबर है भगाओ। और कुछ गुंडे वहां पे, कौन जाएगा? हम लोग ही जाएंगे ना। आज हमें जाके ऑफिस खोलना है हमारा, और हम लोग ने जो ऑफिस खोला गया था ना वो बंद वाला ऑफिस था, और हम लोग जो इन लोग ने अभी ऑफिस में जाके बोल रहे हैं ना ये ऑफिस खुला था, वर्किंग था, जो ताला लगा इन लोग ने गुंडागिरी करके। मुझे मेरा ऑफिस आज खोलना है और मैं जाऊंगी अकेले, मैं अकेले जाऊंगी, किसी किसी को आना तो आए या माइक में बोल। अगर मुझे कुछ होता है, मेरी कमेटी को कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार रवि, राज, जाहिद, डेरिक ये लोग रहेंगे। प्लीज ये आप लोग नोट कर लीजिए, नोट कीजिए। देखिए मैं बहुत जेन्युइनली यहाँ पे है ना, ना ये फाइट के लिए आया हूँ, ना किसी में एक अच्छे मुद्दे के लिए आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर फेडरेशन मदर बॉडी है तो इनको एक्सेप्ट करे, डांसर्स का ऑफिस आज खुलवाए, डांसर्स को मदद करे, सब मिलजुल के जहाँ पे कहीं यूनियन चल रही है, फाइटर की यूनियन चलती है, क्या DOP की, हर ऐसे कितनी यूनियन, वैसे इनकी यूनियन क्यों स्मूथ नहीं चल रही है, इनके ऊपर, इनके पैसे के ऊपर क्यों नजर डाली जा रही है, कोऑर्डिनेटर या कोई भी है, क्यों ये गरीब मेहनत, ये जितना फाइटर करते उतने डांसर्स भी करते हैं मेहनत। अब प्लीज इसको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रोको, इसको खत्म करो, अब प्रेस के थ्रू बोलो या फेडरेशन के किसके भी थ्रू इसको खत्म करो। भारती जी सर जो भी है, मैं ये नहीं नहीं, नहीं चाहता हम ये डांसर्स लोग, आज मैं आपको दिखाऊं, मेरे पास 40 डांसर्स है, ये एजेड है, वो डांस करते हैं, लेकिन ये जाहिद, रवि, डेरिक और राज इन लोगों ने डांस छोड़ दिया, ये डांसर्स के कमाई पे जीते हैं। ये आज शीला जी भी डांस करती है, ये जितने हैं पुराने लोग डांस करके मेहनत करके कमाते, इनके कमाई पे क्यों नजर है, इनका ऑफिस खोलो प्लीज। मुझे आज शूटिंग का बोर्ड देना है, आज मुझे उनको भेजना है। एक लेडी है वहां पे शशि पापे, उसके किडनी नहीं है, उसने अपने बेटी को किडनी दिया है। इधर लोग पैसे खाते हैं इनका, इनको कब तुम लोग सपोर्ट करोगे? आप देखिए इस चीज को, देखिए आज मेरी माँ बहुत टूटी है और मैं किडनी एक पे, मैंने मेरी बेटी को किडनी दी है, वो ऑफ हो गई थी, 4 साल उसकी किडनी चली, ये पास्टर मेरे को बोला काम करते सब करते, काम देते सब करते, और एक किडनी में मेरे को डांस कराते, कभी भी मेरे को बोले नहीं करके चुनचा नहीं दूंगा काम, ऐसा कभी नहीं बोले मेरे को इन्होंने। मेरा नाम शशि है, शशि पापे, मेरे डैडी डांस मास्टर थे। मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, तब मैंने एसोसिएशन में, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ था तब मैंने एसोसिएशन में लोन मांगा था, उस टाइम पे रंगा ये लोग थे, जाहिद, डेरी के लोग सब थे, मुझे लोन नहीं दिया गया, इसके लिए मुझे रिजाइन करना। आज मैं लास्ट ईयर बहुत ही बात थी, मेरे पास काम नहीं था, मास्टर जी ने मुझे बुला के काम दिया, मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है मीडिया से, एक मिनट सुषमा प्लीज, आप लोग जितने फेडरेशन वालों से भी रिक्वेस्ट है, जितने मदर बॉडी बनती है, प्लीज इनका प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, मैं भी चाहता हूँ ये शो में इनको आए, इनका सब मदद हो, मेरी रिक्वेस्ट है, फाइटिंग नहीं है। अगर मुझे प्रोड्यूसर लिख के दे देगा कि गणेश आचार्य आज से 10,000 पेमेंट है, कोई भी डांस मास्टर जैसे मना नहीं करेगा, हर कोई अपना कमाना चाहता है, लेकिन ये जो कोऑर्डिनेटर्स आए हैं ना, ये डांसर्स को डांसर्स के ऊपर उनके बैठ के इनको पैसा खाया जा रहा है, और ये बाकी कोऑर्डिनेटर नहीं, बहुत ये सिर्फ 4-5 है, और सबसे बड़ा जो गंदा है वो राज सुराई, वही सबसे बड़ी गंदा है, वो अपना एक फाउंडेशन बना रहे हैं, उस फाउंडेशन में अमाउंट जाएगा,
उधर से उनका मेडिक्लेम, उनका इंश्योरेंस और उनका पेंशन उनका पूरा जाएगा। ये मैंने जब आर्टिस्ट लोग का जो साइन है उसमें लिखा हुआ है, 25 जन का है, इसमें सब जन ने किया, अक्षय वरुण, इनमें लिखा हुआ है कि ये अमाउंट आपको दिखाया जाएगा और एनी टाइम आप इसको अकाउंट को चेक कर सकते हो ये अमाउंट होगा और इसका कोई भी गलत फायदा नहीं है। If anything goes wrong, will the police protect you? Have they said that yes, we are there to support you? Because this is a body which has given a letter. Definitely, we have to just make an application to the concerned police station stating that the entire team is going to go and visit one particular premises and going to open it. So definitely, police se protection milega hi. ऐसी इसे कि हमको पांच नहीं 25 भी आएंगे हम लोग तैयार हैं। बेसिकली वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम, एवरीबॉडी हैज अ फंडामेंटल राइट टू वर्क फॉर एक्स वाई जेड। व्हेन देयर मेंबर्स लीगली देन दे हैव एवरी राइट टू गो एंड अप्रोच द कंसर्न पुलिस स्टेशन एंड गेट द प्रोटेक्शन। इज देयर एनीथिंग इन राइटिंग फ्रॉम दोस फाइव पीपल दैट यू? देयर इज नथिंग इन राइटिंग, नथिंग। नहीं नहीं, दैट इज द राइटिंग। Regarding लीगली अपना यूनियन का मेंबर बनाया और उनको कार्ड दिया गया, कार्ड। अच्छा, करेक्ट है। वो हमको उससे प्रॉब्लम नहीं है, पांच से पचास बना, लेकिन वो हम पे नहीं थोपे। हमको जिसके साथ काम करना हम उसके साथ काम करेंगे। अगर मेरे कोई जैसे शबीना खान कर रही है, कोई कर रहा है, तो वहां पे उनका आदमी जाता है, उनकी शूटिंग रोकता है और बोलता है, शबीना तू बता। सो बेसिकली होता क्या है कि सारे डांस मास्टर तो इतने बड़े नहीं है कि उनके सारी चीजें दी जाए। मास्टर जी और जो गिने चुने डांस डायरेक्टर जो नंबर वन पोजीशन पे है, उन्हें चार दिन शूटिंग के दिए जाते हैं, तीन दिन दिए जाते हैं और कई बार बोला जाता है कि एक दिन में गाना खत्म करके दे दीजिए। ये हमारी कैपेसिटी है कि हम करके दे सकते हैं। तो सेम ऐसे ही एक प्रोड्यूसर था मेरे पास जो एक दिन में गाना करवाना चाह रहे थे और मैं डांसर्स के साथ फिल्म सिटी सेट पर सेट लगा हुआ था और मुझे 7 बजे शूटिंग शुरू करनी थी और सुबह में 5 बजे ख़त्म करनी थी, 3:30-4 मिनट का गाना, विच इज़ इम्पॉसिबल, बट वी मेक इट पॉसिबल बिकॉज दैट्स वाई वी आर मास्टर्स। सो विद दैट कैपेसिटी वी वेंट देयर और 2-3 घंटा शूटिंग को रोक दिया गया, आकर रोक दिया बाकायदा, प्रोड्यूसर को बोल दिया आप कुछ नहीं करोगे और बिल्कुल गुंडागर्दी। राजा फ्रॉम फेडरेशन, उनका नाम शायद राजा है और उनके साथ 3-4 और लोग थे और सबसे बड़ी बात तमीज नहीं है बात करने की। आप एक पोजीशन पे बैठे हो तो हैव अ वर्ड, हैव लैंग्वेज, तमीज नहीं है, बदतमीजी से एक फीमेल कोरियोग्राफर को या फीमेल जब कहीं भी काम करती है उसे इज्जत चाहिए होती है। लैंग्वेज इज इम्प्रेसिंग मी टू रिप्लाई यू, सो देर इज अ लैंग्वेज फॉर एवरीथिंग। आप बदतमीजी से बात करते हो और गुंडागर्दी करते हो, बोलते हो शूटिंग नहीं होने देंगे, उसमें बेचारा गरीब प्रोड्यूसर वो क्या कर सकता है? वो बहुत मेहनत के बाद एक पिक्चर बनाने जा रहा है, एक गाने से वो अपनी पिक्चर को प्रमोट करेगा। 3 घंटे में बैठी रही, मैं कर नहीं पाई काम क्योंकि आपने उस समय पे पुलिस को कॉल किया था क्योंकि ये मुझे आपके अकेले का नहीं होता है क्योंकि ये सारे उनको लगता है कि ये सब कुछ जब पुलिस आएगी फिर वो FRI होगी फिर इट्स अ प्रोसेस और उसमें काम रुक जाएगा। सुबह तक डेट है एक्टर्स की, पंजाब से एक्टर्स आए हुए हैं, एक लंदन से एक्टर आए हुए, तो हमारे पास उतना टाइम नहीं होता कि हम जाके पुलिस स्टेशन जाए बिकॉज एवरीबॉडी नोज द प्रोसेस, सो वी ऑलवेज वांट टू गो शॉर्टकट के खत्म करते। मैंने इंस्टाग्राम में फोन किया था तभी सबको पता चला कि ये प्रॉब्लम हुआ है। आई ट्राइड मैनेजिंग इट माई सेल्फ विथ माई टीम बट नहीं हुआ तो इंस्टाग्राम में फोन किया एंड दे सेड सेम डे पर फिल्म सिटी में लॉली मास्टर जी की भी शूटिंग को रोका गया था। तो बोलने का मतलब ये है कि हम लोग किसी को रोक नहीं रहे, आप 5 नहीं 10 लोगों को बनाओ कोई बात नहीं, आप 25 को बनाओ, बट थोक नहीं सकता है कोई किसी, किसी और की भी रोजी रोटी चल रही है। जैसे मैं कंफर्टेबल हूँ मेरे टीम के साथ कि मेरी टीम मुझे डांसर करके दे तो मैं उनके साथ काम करूंगी क्योंकि वो 3 बजे रात को भी मेरा फोन उठा लेंगे, बट आप जो 5 लोगों को थोपोगे मैं शायद उनमें कंफर्टेबल नहीं हूँ तो मैं किसको फोन करूंगी। सो इट्स अबाउट कंफर्ट जोन, वी आर क्रिएटिव पीपल, वी कांट बाउंड एनीवन टू वर्क, इट्स सो वी कैन नॉट बाउंड, वी आर नॉट बाउंडिंग देम आल्सो, वी आर सेइंग कि आप भी काम कर सकते हो।
और शूटिंग के दरमियान तो आज के सालों से इंडस्ट्री चली आ रही है, एसोसिएशन चली आ रही है, आप किसी को फोर्स कर ही नहीं सकते क्योंकि हर कोई इंडिविजुअल है और यहाँ पे हम नहीं हैं, तो फिर आप कैसे फोर्स करोगे। और दूसरी चीज, जैसे हमारे सीडीए के मेंबर्स हैं, उनके लिए जो ऑफिस बंद किया गया है, ये कोई भी नहीं कर सकता। इन लोगों को किसने दिया परमिशन, क्योंकि ये हर एक मेंबर की कमाई का पैसा है वो ऑफिस, तो आप कैसे उनका ऑफिस बंद कर सकते हो। आज इतने सालों से चला आ रहा है, जैसे शीला जी है, कई सालों से ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म से शीला जी, इस तरह की इंडस्ट्री नहीं थी, इस तरह की एसोसिएशन नहीं थी। जब हम लोग भी मेंबर थे, हम लोग भी जब काम किया करते थे, हम लोगों को रिस्पेक्ट था। जो मुद्दा था, कितना आप गहन मुद्दा मानते हैं, क्योंकि आप इतने समय से इंडस्ट्री में हैं, सबका सपोर्ट है, बड़े स्टार से लेकर मीडिया से लेकर आपके डांसर तक, क्या कहने के बाद? देखिए, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, उसका कारण था कि मेरे पे कुछ कीचड़ उछाड़ा है। ये बोला गया है कि गणेश आचार्य डांसर्स को पैसा कम देता है, या गणेश आचार्य डांसर्स जो हुआ है वो देना नहीं चाहता। एकदम गलत न्यूज़ है। मैं एक इफ्टिका में जनरल सेक्रेटरी हूँ, जब तक मैं मेरे यूनियन के मेंबर्स से बात नहीं करूँगा कुछ होगा नहीं। दूसरी बात, तो कौन बोल रहा है फेडरेशन में बीएन तिवारी या जो भी है, उनको तो ये बोलना चाहिए कि हम आपके साथ एफिलेट नहीं है, हम आपके बीच में है नहीं, ना सीडी आपके बीच में, तो आप बोल रहे। और दूसरी बात, मेरे किसी भी यूनियन को प्रोड्यूसर का लेटर नहीं आया। मैं खुद चाहता हूँ कि 5 नहीं 6 नहीं 10 दे, लेकिन प्रोड्यूसर्स का लेटर आए, बाकायदा कानूनी उनका सब कुछ हो कि इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, इतना, तो मैं उसमें कुछ बात करूँ। और दूसरी बात ये है कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे को बुलाओ, मुझे पूछो कि गणेश आचार्य ये क्या है क्या नहीं। आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 300-400 डांसर्स बुलाए, उनके सामने बात की, वो आप उनसे पूछिए आपने देखा है कि नहीं, पता है। तो ये जो भी मुद्दा था, ये गलत था, ये होना नहीं चाहिए। मैं चाहता रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि फेडरेशन को कि प्लीज़ आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करो, डांसर्स का प्रॉब्लम सॉल्व करो, उनका ऑफिस खुला, उनको उनके लिए कुछ अच्छा करो। सर, आपके अलावा और भी जितने बड़े कोरियोग्राफर्स हैं, सब ये 4-5 लोगों को जो नाम अपने लिया, उनको नहीं मानते कोऑर्डिनेटर्स के तौर पे, क्या करना चाहिए? इनको सपोर्ट करने वाला कौन है जो इतना ज़्यादा इनका आतंक फैला हुआ है? कोऑर्डिनेटर्स की बात कर रहे हैं? हाँ, जो कोऑर्डिनेटर्स के आप नाम लिए, क्योंकि फेडरेशन ने 5 कोऑर्डिनेटर को लीगल किया हुआ है। और देखिए, ये लीगल 5 कोऑर्डिनेटर कर रहे हैं, उसके अंदर बेसिकली मैंने जब जनरल सेक्रेटरी बना, मैंने उसके बाद 250 कोरियोग्राफर्स लोग का साइन लिया लेटर पे, जिसमें सब बड़े बड़े कोरियोग्राफर है, रेमो है, सीजर बॉस्को है, फरा है, वैभव, ये सब इन्होंने साइन किए कि हमको ये 5 कोऑर्डिनेटर नहीं चाहिए। अच्छा, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि आप 50 बनाओ, सब बनाओ, लेकिन हम पे मत डालो कि ये कोऑर्डिनेटर से काम करना है, वो हमारे लिए गलत हो जाता है। यही सब कुछ चल रहा है, ये कोऑर्डिनेटर ही दादागिरी कर रहे हैं, यही सब कुछ चल रहा है इसमें। और जो इवेंट ऑर्गेनाइज करना है दिसंबर महीने में, उसके बताइए कि इतने बड़े स्टार सपोर्ट कर रहे हैं, उसके अलावा कौन है जो सपोर्ट कर रहा है? और ये सब सपोर्ट कर रहे हैं इसमें, अक्षय कुमार कर रहे हैं, वरुण कर रहा है, जॉन है, रणबीर है, अनिल कपूर है, संजय दत्त है, कैथरीना है, सोनाक्षी है, आलिया है, बहुत सारे आर्टिस्ट, बॉबी है, सब कर रहे हैं। सिंगर्स में सुनिधि है, मिक्का है, सुखविंदर है, सोनू है, फिर बाद में कृष्णा है, भारती है, सुनील गौरी, सब सपोर्ट कर रहे हैं। और ये बेसिकली एक डोनेशन चैरिटी है, फाउंडेशन के लिए शो है, जिसका फंड एक आएगा, जिसमें डांस मास्टर असिस्टेंट और डांसर्स के लिए बेनिफिट है, इसमें उनका मेडिक्लेम होगा, इनका इंश्योरेंस होगा, फ़ायदा होगा। तो ये अच्छी सोच से कर रहा हूँ बस, बाकी थैंक यू।